रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में बदल डाली पूरी प्लेइंग 11 टीम। बांग्लादेश से हारने के बाद लिया बड़ा फैसला, दूसरा वनडे मैच कब और कहां पर खेला जाएगा और रोहित शर्मा ने पूरी प्लेइंग 11 टीम में कौन सा बदलाव किया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइस अगर आप केएल राहुल के परफॉर्मेंस से खुश हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगर आप मानते हैं रोहित शर्मा द्वारा प्लेइंग 11 में बदलाव किया जाना सही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताएं। भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में बांग्लादेश ने जीत के साथ शुरुआत कर दी है। पहले वनडे मुकाबले में बांग्लादेश टीम ने भारत को रोमांचक तरीके से 1 विकेट से मात दी और वहीं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बांग्लादेश से हारने के बाद पूरी प्लेइंग 11 टीम को ही बदल डाली है। और आपको बता दें यह दूसरा वनडे मैच काफी रोमांचक होने वाला है क्योंकि दूसरे वनडे में टीम इंडिया जहां पहले मैच का हार का बदला लेना चाहेगी तो ही बांग्लादेश यह मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। वहीं आपको बता दें भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा वनडे मैच 7 दिसम्बर को खेला जाएगा और यह मैच शेर ए बंगला स्टेडियम में होगा। और रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे में बांग्लादेश से बदला लेने के लिए जिन खूंखार खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल किया है उसमें शामिल है रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, दीपक चाहर, शाहबाज अहमद, मोहम्मद सिराज और कुलदीप सेन जैसे बेहतरीन खिलाड़ियों को शामिल किया है। उन्हें बांग्लादेश ने प्लेइंग 11 में जिन खिलाड़ियों को मौका दिया है उसमें शामिल हैं लिटन दास, नजमुल हुसैन शांति, यासिर अली, आसिफ हुसैन, महमूदुल्ला रियाद, मेहदी हसन मिराज, साकिब अल हसन, मिस्तुजीफुर रहमान, नामस अहमद और इबादत हुसैन को शामिल किया है। अगर आप दूसरे वनडे सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप इसे 11:30 बजे से सोनी लाइव टीवी पर भी देख सकते हैं और इसके अलावा आप डीडी स्पोर्ट चैनल पर भी इसका आनंद ले सकते हैं और वहीं सीरीज के मुकाबले का आनंद आप जियो टीवी पर भी लाइव देख सकते हैं। और गाय रोहित शर्मा द्वारा प्लेइंग 11 में भारतीय टीम में बदलाव करने पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।